भाव होगा, तो इसे अपने लिए करिएगा, ये अपॉर्चुनिटी है। और कि लाइफ कमा, मैं आपको चाणक्य क्या मतलब, चाणक्य क्यों, हाँ आप तो हिस्ट्री, भाव 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 कैसे, बहुत अच्छी बात है मैडम, मैं यस यस फर्श से भूल से सिंहासन में बिठा देता है, वो ताकत है हमारे अंदर, किसी की भी लाइफ चेंज कर लो। और आपके पास आते हैं हमारे पास कि सर आपने ऐसा कुछ दिन कहा था और मैंने उस दिन पकड़ लिया, चेंज हो गया और ऐसा हो गया, मैं आज ऐसा हो गया हूँ। तो इसलिए जब आपका पीरियड लगता है पहले 2 मिनट आप जरूर ऐसे करें ताकि उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं वो उसको पकड़ लगे, ऐसा कोई पंख जरूर लगाइए उसको। उसका रीजन क्या है, रिपीट क्यों करना है, मैं भी रिपीट करता हूँ। देखिए अभी जो यहाँ बोल रहा हूँ ना, इसमें से अधिकतर चीज दूसरी जगह रिपीट करूंगा क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर तो इस साल जो 12वीं में बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगले साल जो नहीं करोगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लिया काम आपने, टीचर हैं भाई, रिपीट करना पड़ता है हमको। और इसलिए जो मैं रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पर, वो ये कह रहा हूँ कि डेली 1-2 मिनट वो रिपीट करिए, क्योंकि प्रॉब्लम में कि कौन मेरी बात सुन पा रहा है आज, किसको क्लिक करने वाला है, ये मुझे नहीं पता लगता। आपको पता लगता है कि आज ये बच्चा सुनने वाला है? वेरी गुड, और उसका असर आता होगा जी, बच्चों के अंदर थोड़ा सा नैतिकता का पाठ होता है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ भाई कितने अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, तो कुछ हाथ खड़े होते हैं कुछ नहीं खड़े होते। तो तुलसीदास जी की रचना है, 2 लाइनें हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहिं माता। तो ये लाइन कह के बच्चों को कि ये हमें बहुत जरूरी है, माता पिता हमारे गुरु हैं, तो इनको हम प्रणाम करें और आशीर्वाद। जब मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ तो वो ऐसे होता है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, वहां मैं आपकी मदद के लिए बोलता हूँ। इन्होंने भी कहा कि बच्चों को फिर वहां बोलता हूँ इन बातों को कि गुरु जो है उनको समझाता हूँ। तो आपसे जो मैं कह रहा हूँ वो ये था कि जितना भी कर सकें, एक मौका है, और वो कौन सी पिक्चर है, कल हो, जोर से बोलिएगा, पिक्चर में तो आप एक्सपर्ट हैं, मुझे पर मैं ऐसे बोलता हूँ फिर लोग बता देते, मुझे याद भी नहीं रहता क्या कहते हो, कल और ये जिंदगी, देखिए कमाल है। तो जब ये सब कुछ जानते हो फिर क्यों नहीं कर रहे भाई, कर डालो कर डालो कर डालो। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। मन में कभी गुस्सा आ जाए ना, पानी पी लो, काल हरणम, समय बर्बाद करो, समय बर्बाद करो, समय बर्बाद करो। लेकिन मन में कोई आया यार इसकी मदद करनी, कर डालो, तब समय बर्बाद मत करना सोचने में, फिर गया तब तक कोई और लपक लेगा उस अपॉर्चुनिटी को, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कमाल की चीजें लिखी हुई हैं, बताया ना मैंने आपको, सब सटीक हैं, पता नहीं कितने साल पहले लिखी हुई हैं कि आज भी संदर्भ में बिल्कुल क्लियर कट है, वो इतना रिच है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई समस्या आपकी क्या होती है कि पेशेंस तो है और क्या है, जो लास्ट अभी पॉइंट चल रहा था हमारा गुरुजी का, कि मुझे नहीं पता कि आज इनको क्लिक करने वाला है या इनको क्लिक करने वाला है, लेकिन पता है वो रणवीर सिंह का जो डायलॉग है ना, अपना भी टाइम, इसका भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, मुझे नहीं पता इसका टाइम कब आएगा,
दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द टीचर, दैट इज व्हाई रिपीट इट. किसी दिन टाइम आएगा निकल गए, किसी दिन का टाइम आया निकल गए, मैं अपना काम करता चला जा रहा हूँ ताकि जब तक सब आ जाए, इसलिए रिपीट करता रहना है. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इसलिए करते रहिएगा. उसके बाद लास्ट मंथ में कई लोग यार ये तो यही लग रहेगा क्या फायदा है, और टाइम भी चाहिए आपको बहुत सारा, पहले टाइम लग गया. और लास्ट में जो दो लाइनें हैं वो इसलिए कि हमारे पास होता है आपके लिए. पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ, मैंने इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया है टीचर्स के साथ, आप लोगों में से शायद लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ भी होगा, हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे होंगे मैंने. उसका रीज़न है मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, और स्लो लर्नर होने की वजह से क्या है, मुझे नहीं पता लगता कि भाई इनको देख के पता लगा या तो बहुत अच्छा काम करते हैं, या इनको ये पता लगा दूँ यार इनको ये समस्या हो रही होगी, तो ये मुझे पता नहीं लग पाता. इसलिए मैं क्या करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ. पेंडेमिक में ज़्यादातर टीचर के साथ इंटरेक्शन, उससे पहले क्या होता जब स्कूल खुला होता तो मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ. तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कोशिश में ये करता हूँ कि जो पहली जो दलाइने शुरू की थी ना आमंत्रण वाली, वो उसका असर है. वो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इनसे इंटरेक्ट करूँ और इंटरेक्शन के दौरान अगर मुझे अच्छी चीज़ कोई दिखा देती तो मैं उनको वहाँ थोड़ा सा हल्का सा अप्रिशिएट कर देता हूँ. अगर किसी को किया होगा, है किसी का नहीं, किसी का नहीं है ना, इंटरेक्शन किससे हुआ है, किसी से नहीं, चांस की बात है. अच्छा चलिए, तो हल्का सा मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ वहाँ कर देता हूँ, नंबर एक. दूसरा, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं भी करूँगा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो करेगा ठीक. लेकिन दूसरे की मुझे ज़्यादा चिंता होती, तो इन करता हूँ कि हो सकता है इनको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो जब मैं बातचीत करूँगा तो पता लगेगी मुझे, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वहाँ मैं कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये सोच के कि इनके लिए मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूँ. और इसी तरह से आपने देखे होंगे बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने आपको भेजे थे, आपका मैंने देखा कि बहुत सारे आप लोग जो है ना एफर्ट्स कर रहे थे बच्चों को करने के लिए, वीडियो बनाने पड़ रहे थे, तो और बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मेट्स डेवलप किए.